स्पेशली समर के लिए तो मैंने आई मेकअप को वाइब्रेंट और ब्राइट रखा है एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट प्रूफ रहे और बिल्कुल भी ऑयल सिक्रेशन ना हो। मैंने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है और मैंने ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करे हैं जो कि आपके मेकअप को ऑयल प्रूफ बनाएंगे। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक और मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज करे हैं जो कि मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, तो मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर प्राइम प्राइमर। दिस इज फॉर रेडनेस कंट्रोल, तो ये मेरे फेस की रेडनेस को कंट्रोल करेगा प्लस मेरे फेस को मैटिफाई भी करेगा, क्योंकि हमें समर का मेकअप करना है तो स्किन मैटिफाई होना बहुत जरूरी है। प्राइमर मेरी स्किन के ऊपर सेट हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन भी हमको मैट फिनिश का ही अप्लाई करना है क्योंकि हम समर का मेकअप कर रहे हैं। मैं आपके साथ चार ऑप्शंस फाउंडेशन के शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे फेवरेट है। पहला ये नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन, ये भी मैट फिनिश का है। देन दिस मेबेलिन नहीं, देन दिस लॉरियल का 24 आवर इनफॉलिबल प्रो मैट फाउंडेशन, ये भी मैट फिनिश फाउंडेशन है। देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन एंड दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये चारों फाउंडेशन मैट फिनिश के हैं, तो आप कोई भी अपनी चॉइस से यूज कर सकते हो। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लॉरियल का इनफेलिबल 24 आवर प्रो मैट फाउंडेशन। मैंने अपने हाथ पे ले लिया एंड देन आई एम जस्ट गोना डॉट दिस फाउंडेशन ऑन माय फेस डायरेक्टली विद द ब्रश। और ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है बट ब्लेंड करने के बाद जब ये स्किन में सेट हो जाएगा तो ठीक लगेगा। देख सकते हो कि फाउंडेशन जो है वो मेरी स्किन के साथ सेट हो गया और अब मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लग रहा है। अब हम अपने फेस को हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के लिए भी अगेन मैं ज़्यादा मैट फिनिश का ही कंसीलर यूज़ करूंगी। दिस इज द मेबेलिन फिट मी कंसीलर और ये काफ़ी मैट फिनिश का है, तो ये आपका क्रीज भी नहीं होगा और ऑयल भी सिक्रीट नहीं होगा इसमें से। फेस को सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पैक एचडी पाउडर। नाउ अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है आप एचडी पाउडर्स अप्लाई करो, क्योंकि एचडी पाउडर जो होते हैं वो ऑयल सिक्रेशन बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा कवरेज नहीं होती, तो आपका फेस भी हेवी या फिर केकी नहीं लगता है और बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये। सो मैं जस्ट इसको अपने अंडर आइज के ऊपर ही अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरी स्किन ड्राई है, तो अगर मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी मेरा फेस तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है आप ऑफकोर्स पूरे अपने इंटायर फेस को अच्छे से लॉक कर लो ताकि आपका ऑयल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। आई होप आप देख ही सकते हो कि इंस्टेंटली आपके फेस को मैटिफाई कर देता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दूंगी मैं अपने फेस को और अपनी नोज को थोड़ा सा पतला करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस शुगर कॉस्मेटिक्स का कंटूर दी फोर्स कंटूरिंग पाउडर। दिस इज इन द शेड टॉप टॉपर, दिस हाउ इट लुक्स लाइक। मैं इस कलर के आई शेडो को पिक करके अपनी आईब्रोज को फिल इन करूंगी। नाउ हम क्रीम प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्वेट के साथ मेल्ट हो जाते हैं बट पाउडर जो होते हैं वो स्टे करते हैं। आज हम आई शेडो के लिए बहुत ज्यादा वाइब्रेंट से कलर्स यूज करने वाले हैं क्योंकि समर में बहुत ही अच्छे लगते हैं वाइब्रेंट कलर्स। तो मैं ये ब्यूटी ग्लेज के आई शेडो पैलेट में से ये वाला पिंक कलर को अपनी इंटायर आईलिड के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ और बहुत ही प्यारा लगेगा। और बिल्कुल स्मॉल सर्कुलर मोशन में मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर लूंगी। एंड मॉर्फे की जैकलिन हिल पैलेट में से मैं ये टिफनी ब्लू काइंड ऑफ कलर को लेके अपनी लो लैशन के ऊपर अप्लाई करूंगी। how it looks like. I'm gonna apply my wing eyeliner जो कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, तो इसलिए I'm gonna do that. तो मैं अप्लाई कर रही हूँ इस टेक वर्की का बैड एज आई लाइनर. ये काफी अच्छा थिन और पॉइंटेड आई लाइनर है, सो मैं इसे विंग आई लाइनर क्रिएट करूंगी. निका के का वाइट आईलाइनर और मैं लोअर लैश लाइन ताकि मेरी आईज थोड़ी सी बड़ी लगे, क्योंकि यू कैन सी मेरी आईज थोड़ी सी छोटी सी है. Okay guys, I'm gonna repeat the same on this eye and wear my false eyelashes and I'll be right back. Okay guys, so this is how my eye makeup looks like. Now I'm gonna apply my blush. For that I'm gonna use this Swiss Beauty की blush and highlighter palette. बहुत ही प्यारी palette है, बहुत ज़्यादा use करती हूँ मैं इसको, आपको पता ही होगा. So I know कि मेरा blush है वो थोड़ा सा overboard लग रहा है, बट क्योंकि मैंने nude lipstick लगानी है इसलिए मैंने थोड़ा सा dark blush apply किया है. तो please अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बता देना, मुझे hate comments मत करना. So guys, क्योंकि हमारा face जो है वो पूरा matte है, हमारे face के ऊपर बिल्कुल भी glow नहीं है, बिल्कुल भी shine नहीं है, क्योंकि हमने सारे products matte use करे हैं. Highlighter apply करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे face थोड़ा सा glowy हो जाए, और हम powder highlight ही apply करेंगे, cream नहीं apply करेंगे, क्योंकि powders जो है वो oil के साथ mix होके melt नहीं होते हैं, whereas cream जो है वो melt हो जाते हैं. एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर इन द शेड ब्लॉसम ग्लो, एंड इसकी पिंक रिफ्लेक्स है तो इसलिए मेरा मेकअप थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा है, तो इसलिए मैं एक बार अप्लाई कर रही हूँ. सो नाउ लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मैक की लिपस्टिक इन द शेड कॉस्मो. ये बहुत ही पिंकी सा न्यूडी सा कलर है, बहुत प्यारा लगेगा. अगर आपको ब्राइट लिपस्टिक अप्लाई करनी है आप वो भी अप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइस, एंड आई रियली होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा. अगर आपको ये लुक पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव अ बिग थम्स अप, लाइक पे हिट जरूर कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस. नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड हुई है. सो मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.